हाय गाइस, मेरा नाम अनुज शर्मा है और आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज ग्राफिक एंड व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग एंड प्लस फोटोशॉप। तो हम इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे सारा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक्स बेसिकली इट्स लाइक अ शेप या कोई एक फॉर्म या कोई एक पॉइंट या कोई एक लाइन जो इन चीजों को जोड़ के एक काइंड ऑफ एक इमेज क्रिएट होती है, इट इज ग्राफिक। इन आर्ट पैटर्न यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स के पैटर्न बनते हैं, तो वो भी एक तरीके से ग्राफिक्स में ही काउंट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम कहते हैं लाइन पैटर्न, तो ये भी एक तरीके से ग्राफिक्स में ही इंक्लूड होते हैं। पैटर्न इनको इसलिए काउंट कर ले जाते हैं क्योंकि रिपीटेड फॉर्म में होता है, पर इट्स लाइक अ ग्राफिक्स। अगर और भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन में आइकन ग्राफिक्स होते हैं। आइकन ग्राफिक्स आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी ग्राफिक्स का पार्ट होता है। तो अगर बेसिकली अगर मैं ग्राफिक का एक बहुत आसान शब्दों में और एक छोटे से शब्दों में आपको अगर मैं एक मतलब बताना चाहूँ, जो डिफरेंट 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 टाइप्स की जो हमारे पास शेप्स होती है जिन्हें आकृति कहते हैं, उनको अगर जोड़ के जो एक इमेज क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत छोटा सा टर्म है और हम इस ग्राफिक्स का जो यूज करते हैं, हम लोग इलस्ट्रेटर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो इलस्ट्रेटर होता है वो बेसिकली लाइंस पे, कर्व पे, और उनका जो टोटल वेट आता है, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल डेटा, उसका जो वेट होता है उसी पे ही वो सारा बेस होता है, तो वो ग्राफिक का पार्ट होता है। ग्राफिक एक तरीके से आप एक कोई भी चीज स्केच बना रहे हो या कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक पार्ट ऑफ ग्राफिक्स का ही आता है। अगर इस टर्म के साथ, इस टर्म्स के साथ अगर हम एक जो टर्म है हमारा ग्राफिक, बट अगर हम इसके साथ एक टर्म जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड डिजाइन, तो ये एक तरीके से बहुत एक अलग फॉर्म बन जाता है। अलग फॉर्म इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि मेरा, कि अगर मैं इस प्रॉपर वर्ड को आपके सामने अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो एक सिंपल एक लैंग्वेज में बोला जाता है कि डिफाइन बाई लैंग्वेज ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी, वो एक भाषा जिसको हम एक डिजाइनिंग के जरिए समझाना चाह रहे हैं। इन टर्म ऑफ अगर हम देखें कि डिजाइन वर्ड, इट इज डी फॉर डेप्थ, ई फॉर इफेक्ट, एस फॉर सैचुरेशन, आई फॉर इल्यूजन, जी फॉर ग्राफ, एन फॉर नेविगेशन। तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ टर्म। जैसे अगर मैं आपके सामने कि अगर मैं कुछ प्रेजेंट करता हूँ, जैसे अगर आपके सामने ये एक इमेज है, ये ना तो ग्राफिक में काउंट होंगी ना एक ग्राफिक डिजाइनिंग में काउंट होगी। बट अगर इस इमेज को मैं पूरा प्रॉपर तरीके से क्रिएट करके एक कोई शोकेस या फूड बैनर या एक्स वाई जेड कुछ भी बना देता हूँ, इट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। बट ग्राफिक डिजाइनिंग का इन टर्म ऑफ एक वर्ड ये भी बोला जा सकता है, इट इज बेस्ड ऑन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जैसे जो क्लाइंट और एक डिजाइनर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वही ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे यू आर ए क्लाइंट और आई एम ए डिजाइनर, तो आपने मुझे बोला कि ये एक इमेज है, इसको मुझे एक प्रॉपर एक डिजाइन चाहिए। तो आपने जो मुझे एक अपने टर्म्स दिए कि मुझे ये चीजें चाहिए, इसमें ऐसा चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, ये कलर चाहिए, तो इन सारी चीजों को जो मैंने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद देन आफ्टर फिर मैंने जो क्रिएशन क्रिएट करी, तो उसके बाद जो चीज बन गई, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको तीन टर्म से पढ़ना पड़ता है। पहला टर्म्स होता है कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, कि जो आप डिजाइन करने जा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड टर्म होता है, इट इज क्रिएटिविटी, पर क्रिएटिविटी इट इज डिफाइंड बाई योर ग्राफिक्स। आप अगर कोई भी क्रिएटिव बनाते हो या कोई भी क्रिएटिविटी करते हो तो वो डिपेंड आपके डिजाइन पे नहीं करती, वो डिजाइन के ग्राफिक्स पे डिपेंड करती है। ग्राफिक इन द सेंस कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, सामने वाला ऑडियंस या सामने वाली पब्लिक या एक तरीके से जो भी आपके डिजाइन को देख रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम इन टर्म ऑफ थर्ड पॉइंट आता है कलर, ये मैं जब ये डिजाइन करूंगा तो मैं उस कलर के पार्ट पे आऊंगा। बट इन सारी चीजों से हटके अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम किसी भी चीज को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसका एक तरीके से ये पता होना चाहिए कि वो बना क्या रहे हैं हम लोग और उसका रिजल्ट क्या है। मतलब अगर मैं एक कोई इमेज है, जैसे मेरे सामने की इमेज है मेरे, इसका मेरा यूज क्या है,
और बनने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो दो चीजें मेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको मैं समझाना चाहता हूँ तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर मैं अभी जो देख रहा हूँ उसको एक तरीके से आप ग्राफिक्स कह लीजिए, और आफ्टर जो चीज मेरी बन के आ रही है वो आप एक डिजाइन कह सकते हो। तो इन दोनों का जो प्रॉपर एक जो कंप्लीट बनता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें सारी चीजें आती हैं, ग्राफिक्स में हम लोग बहुत कुछ यूज भी करते हैं, ठीक है। तो आज की ये एक बहुत छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। अगर हम इन टर्म ऑफ और अगर इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं तो इसकी मेरी और भी क्लासेस हैं हमारी, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो सारी क्लासेस भी मिलेंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फोटोशॉप पर। मैं फोटोशॉप में अभी बहुत छोटा सा क्लास लेके आया हूँ जिसमें क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिजाइनिंग के बारे में और ग्राफिक्स के बारे में ही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बहुत छोटी सी क्लास ली है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हमारी, इसमें ये सारी चीज़ें मैं डिफेंड करूँगा। सबसे पहले हम किसी भी, अभी मैं क्या बना रहा हूँ वो मुझे क्लियर हो, जैसे अभी मैं एक मैंने एक इमेज ली है तो मैं एक तरीके से एक फूड का स्क्वायर पोस्टिंग बनाना चाहता हूँ। स्क्वायर पोस्टिंग का मतलब कि जो भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो चारों साइड से स्क्वायर होगा, मतलब कि बराबर होगा, ना कहीं से बड़ा ना कहीं से छोटा। तो अगर मुझे ऐसी चीज़ कोई क्रिएशन करनी है तो सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ जो भी मैं डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो नॉर्मली हम तीन साइज यूज़ करते हैं। फर्स्ट साइज हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हम लोग यूज़ करते हैं 1200, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं 1080, और इसके अलावा भी अगर हम लोग और यूज़ करते हैं स्क्वायर पोस्टिंग में इट इज़ 800 and 800। तो अभी मैं 1200 पे बना रहा हूँ, 72 dpi पे बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डॉट पर इंच, RGB कलर बना रहा हूँ, 8-bit हमारी नॉर्मली यूज होती है, एंड देन ग्रेट। तो मेरे सामने जो भी एक ये आर्टबोर्ड बन के आया डॉक्टर बन के, ये मेरी चीज़ यहाँ पे आ गई। देन आफ्टर मैं इस चीज़ को उसमें ओपन करूँगा, देन राइट क्लिक, डुप्लीकेट, सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, Untitled 2 एंड देन ओके। तो मेरा डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट में मेरी ईमेल यहाँ पे आ गई है। चेक हाइट भी दिखा देता हूँ आपको, हमारी हाइट ऑफ इट इज स्क्वायर पोस्टिंग 72। अब इस पर क्या है, मुझे थोड़ा काम करना है कि कैसा क्या है मेरी इमेज, कलर वलर इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। बट इन सब चीज़ों से पहले मैं इसका एक एक्चुअल पिक्सल देखना चाह रहा हूँ कि कैसा आता है। तो जस्ट पुट एन प्रेस ऑन, इट इज Ctrl+1, देखिए इसकी क्वालिटी एंड क्लियरिटी दोनों परफेक्ट है। जब भी कोई भी मैं क्रिएशन करता हूँ हमेशा मैं क्या करता हूँ, इसकी डम बना के रख लेता हूँ Ctrl+J और इसकी आईज ऑफ, ताकि मेरी सोर्स मेरे पास रहे। थोड़ा मैं इस पर कलर एडिंग करने के लिए मैं आज आपको एक नया टर्म्स बताने आ रहा हूँ जिसको हम लोग बहुत एज ए डिजाइनिंग में हम लोग यूज करते हैं, वो टर्म है आपका, यहाँ पे एक शॉर्ट बहुत अच्छा एक ऑप्शन आता है आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर का। या आप लाइट रूम का भी यूज कर सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसकी एडिटिंग करने के लिए, इमेज की बहुत अच्छी एनहांस करने के लिए कैमरा रॉ फिल्टर की जगह वो लोग एक लाइट रूम का प्लगइन आता है उससे भी इसका एडिटिंग करते हैं। बट मैं यहाँ पे कुछ नहीं, मैं नॉर्मली यहाँ पे हल्का सा सैचुरेशन क्लैरिटी इस पर काम करूंगा। अगर देखिए यहाँ पे अभी खुद ही आप देखेंगे कि क्वालिटी क्या आ रही है और क्लैरिटी क्या है। देखो क्वालिटी के लिए हम लोग पिक्सल बढ़ाते हैं एंड क्लैरिटी के लिए डॉट। अगर मैं इस क्लैरिटी को बढ़ा रहा हूँ तो खुद आप देखिएगा इमेज में कोई चेंजेस आपको देख रहे हैं, क्वालिटी क्लैरिटी में हल्का सा मैंने इमेजेस पे चेंजेस दे रहा हूँ, हल्का सा वाइब्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सैचुरेशन को बहुत हल्का रख रहा हूँ, लाइट ज़्यादा डार्क को नहीं, देन हल्का सा शेडो को इंटैक कर रहा हूँ, ब्लैक्स को कम, एंड देन ओके, ठीक है। मेरे पास मेरी एक इमेज रेडी होके आ गई है। अब इसमें मैं एक क्या करूंगा, हल्का सा मैं काइंड ऑफ एक सर्टन, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस पे, तो मैं इस पे एक लेवल डालना चाह रहा हूँ। लेवल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं इस पे यूज कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे मास्क ऑन रख रहा हूँ तो जो भी मेरा एंटायर आएगा ज्यादा बाहर नहीं रहे, हल्का ज्यादा नहीं, बस ये मेरा बनके एक रेडी है, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक का है, टोन है कुछ, तो आप उसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये मेरा क्रेडिट। अब इसमें सबसे पहले मैं कुछ टैक्स एड ऑन कराना चाह रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या टैक्स रखना है। तो मैंने यहाँ दो वर्ड लिख लेता हूँ कि जैसे मैं एक फूड से बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया मी फूड, कुछ भी लिख सकते हो। मैं एक वर्डिंग लिख दिया मी फूड, और मी फूड लिखा, और मैं यहाँ पे इसका साइज अभी इंक्रीज कर रहा हूँ। जब भी हम ऐसी चीज बनाते हैं तो उसको स्मूथ रखना चाहिए। मैं यहाँ से इसकी थोड़ी मैंने सेटिंग शेड रखी है, और यहाँ पे एक मेरा माय फेवरेट फॉन्ट है इंट्रो रश। में मोस्ट ऑफ देम फूड्स के जब भी मैं बैनर बनाता हूँ या कुछ रिलेटेड बनाता हूँ, तो मैं एक फॉन्ट है इंट्रो, ये इंट्रो रश जो होता है मैं इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या है कि वो एक क्वालिटी मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसका आई ड्रॉपर मैं यही कलर टोन लेता हूँ, जैसे ये कुछ मेरे थोड़ा सही से मिल जाता है। अभी मैं लिख रहा हूँ, कंटेंट लिख रहा हूँ, बाद में हम इसकी एडजस्टिंग और सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, फिर और भी एक लाइक टेस्ट टू यम। मैं अभी ऐसी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल किसी वजह से लिख रहा हूँ, नहीं। बेटर मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा मुझे आइडेंटिफाई करना है दोनों को, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट का टोन दे दूँ। ठीक है, अभी देख रहे तो अभी बड़ा ये ऑड सा लग रहा है, तो इसको मैं एक तरीके से सेट करूंगा अच्छे से। तो मैंने इसको थोड़ा अलग से करना, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको नॉर्मल हम ज्यादा पुशिंग ना देते हुए मैं खाली बैटर कर दे रहा हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक सीरीज देंगे किस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो मैं भी समझाने वाली बात है, अब ये आप समझे हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट को हम थोड़ा पहले छोटा कर देंगे, एक सीरीज लगे, एक अच्छा सा लुक दे। आप इसको इक्वल फॉर्म में रखोगे, ज़्यादा हायर डॉट फॉर्म में नहीं रखोगे। जैसे मैंने इसको यहाँ पे छोटा रखा, एक लुक रहे। अब यहाँ पे मैं टेस्ट पे काम करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा हल्का नहीं, और ये जो भी कंटेनिंग का पार्ट होता है ये हमेशा 100% पे चेक करिएगा। जैसे मैंने 100 करा, 100% पे देखिएगा कि कौन सा आपका वर्ड बड़ा है छोटा है। तो अभी मेरा ऊपर का मैं छोटा करूँगा, इसको मैं और थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रखा है, और अभी मैं हर इनके फॉन्ट में थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड कराना चाह रहा हूँ। इट इज दी मैं ये तो कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी कलर को। ओके,
और थोड़ा भी इनको एक लुक देने के लिए, अभी आप देखेंगे ये मैंने इतना सा ऐड करा है, एक लुक देने के लिए मैं हर किसी इनके पीछे बहुत बहुत एक तरीके से बहुत लाइट फ्लो में एक शेडो दूंगा ड्रॉप शेडो, जिससे जो मेरा पार्ट है वो एक अपने आप में एक उठ के भरेगा। अभी हम दिखाते हैं, अगर मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ ये बैटर के पीछे देख रहा है, मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देना ठीक है, बहुत एक हल्का से फील दे उठे हुए की हल्की सी, ये स्प्रेड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का, साइज को मुझे कम रखना, मैं साइज पे नहीं जा रहा हूँ, बस ये रख दिया हमने यहाँ पे, जैसे बैटर को उठा दिया, हल्की सी ओपेसिटी लग रही है क्योंकि येलोइश में फील हो रहा है, ज़्यादा नहीं इतना, एंड देन ओके। और इसी की कॉपी ऑल्ट प्रेस करके टेस्ट में और दोनों को रखा, एंड देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तीनों को पकड़ के लिंक कर रहा हूँ, लिंक करने के बाद जब भी मैं इसको तीनों को मैं यहाँ सेट करूँगा तो वो ईजिली कहीं पे भी मेरे सेट हो जाएंगे, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अभी क्या है, इसको मैं एक लुक देने के लिए थोड़ा सा एक और अच्छा सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ब्रश का यूज करूँगा, ब्रश एक यहाँ पे मैं नहीं एक मैं यहाँ पे ब्लैंक ले लेता हूँ, और ब्रश मेरे ये सारे मेरे बने बने क्रिएशन है, तो मैं आपको अगर और भी दूंगा तो आप और भी देखते रह सकते हो, तो आपको भी इजी रहेगा। तो मैं इसको अभी मैं क्या है यहाँ पे इस पर क्लिक करके हल्का से इसको रोटेट कर रहे हैं ये इस तरीके से, एक लुक ये आ जाएगा बहुत, ये आजकल एक क्लास लुक चल रहा है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ बी पे दूंगा और एस पे नहीं देना, एस पे देंगे हम, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा डी पे नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा है, कभी आप लोग डी पे दे दें और डी पे नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आप इसको साथ देखें, ये मैंने एस पे दिया और यहाँ पे मैं आर पे दे रहा हूँ इस तरीके से, और सेम अगर सेम जो हमने ब्रश का यूज किया सेम उसमें भी डेप चाहते हो तो देखो ये थोड़ी इसमें भी फील, इतना हमने ऐड किया। अब क्या है कि एक इसके नीचे एक छोटा सा कोई फूड की लाइन या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैं नॉर्मली एक फूड कोट निकाल लेता हूँ जो एक फूड से रिलेटेड है, कोई भी नॉर्मली जो हमें सिर्फ एक नीचे लाइन लिखनी होती है कि नॉर्मली इट्स आई एम प्लेट आई एम हैप्पी बैक, ये जैसे मैंने क्लाइन ली ये एवरी वन इज अ टेस्ट इज हंग्री ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया मैंने टेस्ट लिया नॉर्मली यहाँ पे और इसको लॉक पे लिख दिया, तो इसमें मैंने फॉन्ट जो भी मैं यूज करूँगा, एक फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पॉपिंस, तो पॉपिंस में क्या होता है कि जो फॉन्ट है ये बहुत अच्छा लुक देता है, इसको आप लाइट फॉर्म में या बोल्ड फॉर्म में यूज कर सकते हो, ज्यादा नहीं रखना है ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे एक लाइन को एक कोट्स कह सकते मैं वाइट फॉर्म में कंट्रोल 100% और ये यहाँ पे, बस मैं जो इसको लुक दूंगा वो ज़्यादा हाई लुक नहीं दूंगा पढ़ने में जैसे नॉर्मल सा, बट यहाँ पे मैं इस फॉन्ट को एक ट्रिक दे रहा हूँ, क्या करेंगे यहाँ पे फॉन्ट को स्मूथ तो करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके इसको यहाँ पे ऑल कैप्स करेंगे, कैप्स के साथ यहाँ पे अब जो वर्ड है मैं इसको फुल लाइन में नहीं रख के थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक आ जाए ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करोगे जो आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है जैसे टेस्ट गुड को आप सेलेक्ट करोगे और
इसके फॉर्म को बोल्ड कर दोगे, जैसे मीडियम दे दिया, ठीक है, मीडियम नहीं दे सकते तो आप इसको बोल्ड करोगे तो वो ज्यादा हाईलाइट हो गया। तो अगर आप इसको बोल्ड कर रहे हो, आप एक काम करो, पहले सारे को सेलेक्ट करो और सारे एंटायर को कर दो मीडियम, और टेस्ट को कर दो, टेस्ट गुड को कर दो आप सेमी बोल्ड, इटैलिक में नहीं, नॉर्मल लग रहे हैं सेमी बोल्ड, और हंगरी, हंगरी को भी कर दो आप सेमी बोल्ड, और इसका कलर भी हम ये पिक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी, कंट्रोल सी, ओके, ये यहाँ पे गया, कंट्रोल वी कॉपी, और सेम मैंने जो आपको भी शेडो वाला पार्ट किया है, यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे। विवेक एक मिनट भाई, स्टॉप कर लेना विवेक। अब यहाँ पे हमने जैसे डॉप शेडो दिए, तो कभी भी अगर हम लोग कोई थॉट्स या कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो यहाँ पे एक फिक्स शेडो रेशियो होता है, जिसमें हम लोग, हम यहाँ पे शेडो का जो डिस्टेंस का पार्ट है वो हमेशा 5 रखते हैं ऑलवेज। बाकी आप कम भी कर सकते हो, पर 5 से कम ज़्यादा नहीं होता। स्प्रेडिंग को हमेशा नॉर्मली हम 22 पे रखते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं रखते हैं। यहाँ पे एक काउंटर में जाके आपको, यहाँ पे जाओगे एक ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बट मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसके थ्रू इसको एडजस्ट करूँगा। मैंने यालो ले लिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कोप डीप, यानी कि अंदर की तरफ डेप्थ में देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा एक नॉर्मली से यहाँ से रेडी हो गया। ये रेडी होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक लोगो बनाना चाह रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके एक नॉर्मल एक लोगो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लोगो ले लिया, हम जैसे फूड से रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैंने फूड हंगर ऐसा करता हूँ, इसको लोगो बना लेता हूँ हंगर फूड, और इसका जो मैं फॉन्ट है वो बेसिकली मैं थोड़ा एक बोल्ड फॉर्म में देना चाहूँगा, कि जिससे ये आए। तो बोल्ड फॉर्म में देने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। मतलब मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैं थोड़ा यहाँ पे बोल्ड देने के बाद मैं टेक्स्ट टूल में जाके क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी इनके बीच का गैपिंग सिस्टम है उसको भी मैं छेड़ सकता हूँ, बट वो डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि अगर आप छेड़ोगे तो अच्छा होगा। तो मैं यहाँ से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इनके बीच का गैप कम कर देता हूँ हल्का, और इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे फूड को वाइट फॉर्म में रख रहा हूँ। अभी बैकग्राउंड का टोन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक दे देता हूँ, जिससे मेरा वो जो मैं लोगो बना रहा हूँ दिखे। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा और स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक बहुत छोटी सी टिप देता हूँ आप लोग को। वो टिप क्या होगी, जैसे मेरा ये जो सर्कल है, इन दो सर्कल को मैं एक तरीके से ये बनाया, जैसे मैंने इस तरीके से इसको मैंने सेट करा, न्यू लेयर दे दिया, और यहाँ पे ये कलर फिल कर दिया। ये सेम मैंने एक चीज की थी, इस पे भी ये लगा दी। अब क्या है, मैं थोड़ा और एक हम बना रहे हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ से मैं नॉर्मली एक एक साइट है हाई क्लिप आर्ट, मैं यहाँ से ना एक स्पून और एक फोक की इमेज निकाल लेता हूँ पीएनजी फॉर्म में। स्पून ये भी चल जाएगा, कुछ इस तरीके से निकालना है कि वो एक इंटरेस्टिंग लुक में लगे, वेक्टर फॉर्म में हो ठीक है। अब उसको ऐसे इमेज फॉर्म में ना लाइएगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लाना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं याली इमेज ले लेता हूँ, ये ठीक है, इसी से हम कर लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी ये सोच के मत रहिएगा कि कोई भी इमेज परफेक्ट होती है, पर उसको ढूंढने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है परफेक्ट इमेज के लिए। बट अगर आपको कोई भी इमेज मिल रही है तो उसको आपको डिज़ाइन करके परफेक्ट बनाना पड़ता है। हर बार इमेज आपको कोई परफेक्ट नहीं मिलेगी, आपको खुद ही उसको डिज़ाइन और क्रिएशन करके बनाना पड़ता है। पर जो लोग कहते हैं कि परफेक्ट इमेज ढूंढो ढूंढो, तो फिर वो लोग डिज़ाइनर नहीं है ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं क्या करता हूँ, इसी में वो चीज़ प्लेस कर देता हूँ, डाउनलोड एंड प्लेस, ये मेरी एक इमेज आ गई ठीक है। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से इसको रेस्टराइज कर देता हूँ। एक रेस्टराइज का भी बहुत अच्छा मतलब होता है एक किसी चीज़ पे काम करने के लिए ठीक है, तो मैं बताऊँगा वो भी है। क्या फोटोशॉप अगर हम करना तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं इसको निकाल ले रहा हूँ कंट्रोल जे, और मैं इसको निकाल रहा हूँ कंट्रोल जे। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि मैं नाइफ क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाइफ अगर हम लोग कोई फूड रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें नाइफ की नीड नहीं होती है, तो नहीं होती, उसका भी एक रीज़न है। मैं क्या करूँगा, एक बहुत छोटी सी आपको टिप है, ये क्या है कि हम लोग कभी जब ऐसे कोई फूड रिलेटेड कोई भी बनाते हैं चीज़ें, तो उसमें क्या है हमें कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाता कि भाई ये करना है या ये करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको थोड़ा, अभी आपके सामने यहाँ देख रहे हैं ये इमेज थोड़ी ख़राब लग रही है क्योंकि मैं ज़्यादा जूम कर रखा है। मैं इसको कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा, ये मैंने यहाँ रख रहा हूँ। बट यहाँ रखने से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको जो मेरे सर्कल हैं जो हमने बनाए थे, इस पर राइट क्लिक करके कर दोगे क्लिप पास, ये साफ ठीक करके इसको थोड़ा ठीक है, बाकी देखो अभी थोड़ा, और सेम हम स्पून के साथ भी ठीक करेंगे ये। मैं वैसे अगर करता तो मैं पहले इसको मैं अलग से बनाता और फिर इसमें मैं एड ऑन करता, और ये रहा इसके साथ वाला क्लिप ठीक है। अब आ जाते हैं इस हंगर पे, हंगर पे हम क्या करेंगे, ये हमारा लुक तो आ गया, बट इस पे भी मैं कुछ देना चाह रहा हूँ कि जिससे एक बहुत अच्छा सा हमें लुक लगे कुछ लगे। तो इस हंगर को देने के लिए मैं क्या है, उस पर कट स्लैश दूंगा। कट स्लैश का मतलब क्या है कि मैं इसको फोन से हटा के प्रेशराइज टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं, मैं एक ब्रेक का एक लुक बनाऊंगा, मैं बहुत पतला ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा। एक की होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन, इट इज ऑल्ट एस टी ठीक है, एंटर एंड डिलीट। तो ये एक मैंने बहुत छोटा सा आपके सामने एक लोगो एक रेडी कर दिया है, और इन सारी लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, देन क्रिएट इट एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने बना दिए,
और इस लेयर को उठा के हम अपने क्रिएशन में ले आएंगे। ये हमारा ये लोगो बन के आ गया है। यहाँ पे मैंने इसको रखा सेम वही। अगर डेप्थ अब यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको डेप्थ दूंगा यहाँ रहा लू, तो मैं एक बहुत अच्छी सी आपको एक और ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे जाके एक आप ब्लैंक लेयर सॉरी यहाँ पे जाके एक आप एक न्यू न्यू लेयर ले लीजिएगा ब्लैंक जैसे ये रही। यहाँ पे जाके आप इसको एक ग्रेडियंट लुक ले लीजिएगा और ग्रेडियंट में ब्लैक और व्हाइट का ही टोन लीजिएगा। ठीक है मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके एंड ओके, ये ऑटो फिल हो रहा है। ठीक है तो मुझे ये ऑटो फिल नहीं करना है जी। कुछ इस तरीके से फिल करना। ये कुछ हल्का सा लुक दे दिया मैंने। 100% पे अगर मैं लेके जाता हूँ तो आपका लोगो ये रहा। ठीक है इस लोगो को और आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत छोटा सा एक ग्राफिक दे रहा हूँ, मतलब कि स्क्वायर। ये बहुत चलता है आजकल ट्रेंड में भी है मार्केट में। एक बहुत छोटा सा ग्राफिक आप दे सकते हैं यहाँ पे। और ये ग्राफिक अभी आप दे रहे हो थोड़ा लग रहा है यार कि यार क्या है क्या नहीं है। अब देखो इसका एक अलग पानी दिखाता हूँ। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये टर्म्स हैं डिजाइनिंग के, इन टर्म्स को थोड़ा समझिएगा और मैं इस टर्म्स को देखिए। अब एक बहुत अच्छा सा लुक दे दिया उसने अपने आप ही इन दोनों को। और एक लास्ट सेम यहाँ पे हमने एक कोर्स लिख कोर्स वाला एक लाइन पे थे ना ले ले क्लिक री। यहाँ पे जो सेटिंग है उसको प्लीज रीसेट और वाइट के फॉर्म में पॉपिंस फॉन्ट लेना है हमें। जो कि हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी कोई भी क्रिएशन बनाते हो ना तो उसमें मल्टी फॉन्ट यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप मल्टी फॉन्ट यूज़ करोगे तो एक डिज़ाइन नहीं लगेगा बल्कि आपका वो लगेगा एक तरीके से आपका क्या कहते हैं सतरंगी कुछ बना रहे हो वो पार्ट लगता है। थोड़ा सा फॉन्ट लोड होने में टाइम लगता है सिस्टम में, तो जरा सा वेट करना। मेरे पास बेसिकली जो फॉन्ट्स हैं बहुत सारे हैं तो इसलिए मेरा सिस्टम थोड़ा सा लोड लेता है। और फॉन्ट में मैं इसको एक लाइट में दूंगा और लाइट में यहाँ पे मैं जो साइज दूंगा इट इज 8। मैं इसको 8 देने के बाद ये रीडेबिलिटी नहीं दिखा रहा 100 पे, तो क्या करोगे आप इनके बीच का गैप बढ़ा दोगे तो वो एक ब्रीदिंग स्पेस दे देता है या लाइट को आप थिन भी एक्स्ट्रा लाइट कर दो। और साइज लग रहा है तो कर सकते हो ऐसे दैट इज ओके, बट अगर इसको 10 कर रहे हो तो फिर इसको कम करना पड़ेगा। बस अब ये इंडिपेंडेंटली है तो बस यहाँ पे क्या करो एक ऐसी
हाइलाइट लाइन इन लेयर ऑरेंज डी सेंटर। देखिए एक नीचे लो रेडी हो गया था, आप देख रहे हो अभी एक इसको देख के इट्स लुक लाइक एक प्रोफेशनल सी एक फीलिंग आ रही है हमें लुक डिज़ाइन को देख के। अब मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ एक हैशटैग दे देता हूँ एक डिज़ाइन। अभी देख रहे हो हमारे पास एक इमेज थी उसको हमने कैसे किस तरीके से एक क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नॉर्मली एक अपना खुद का एक हम हैशटैग बना देते हैं हैश हंगर फूड। तभी हम हैशटैग देते हैं वो हमें कुछ इस तरीके से देना होता है। सॉरी वो बैटरी तो एरर हो गया था थोड़ा, मैं इसको थोड़ा बोल्ड में दूंगा यहाँ पे फोन साइज इट इज 40 दिया, ठीक है। अब इसको ताकि आप और भी कुछ यहाँ लिखना चाहें और भी लिख सकते हैं। अभी भी मुझे एक इनकम्प्लीट लग रहा है, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, तो एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ इस तरीके से और स्ट्रोक ऑफ यहाँ पे वाइट कलर इट इज अराउंड 2 pixels का, ठीक है। इसको मैं आपको 100% पे दिखाता हूँ जैसे आ रहा। अभी ज़्यादा आँखों में आपके चुभे नहीं तो क्या कर सकते हो इसकी फिल पार्ट कम कर दो लाइटली सा दिखे, ठीक है। ये देख रहे एक फील सी दे दी इसने प्रोफेशनल वाली, ठीक है। बाकी अभी क्या होता है कि ये तो लुक हम दे देते हैं बट इसको और एक प्रो लुक देने के लिए दो चीज इसमें मिसिंग है। दो चीज क्या मिसिंग है, एक मिसिंग है कि यहाँ पे क्या हमेशा एक टैग के ऊपर ना एक लाइन लिखी होती है जो इस डिजाइन को आइडेंटिफाई करती है। दैट्स मीन कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक जनरल एक लाइन दे देता हूँ कि एक नॉर्मल वे बोल सकते हैं लाइक फूड इज IMP और यहाँ पे लिखो एक होता ना एक लाइन दे देता हूँ प्योर फूड इज IMP फॉर लिव बहुत स्मॉल फॉर्म में कलर ऑरेंज बिल्कुल ब्राइट टोन में यहाँ पे साइज इस तरीके से 100% पे लेके जाओ उसको। फ़ॉन्ट को थोड़ा मुझे ना ये भारी भरकम सा लग रहा है तो मैं इसको इतना भारी नहीं देना चाह रहा, मैं लाइट में और कम देना चाह रहा हूँ। और हंगर को मैं थोड़ा छोटा करूँगा थोड़ा सा बस। और इस पे क्या करूँगा जो मेरा शेडो का इफेक्ट था वही कॉपी कर देता हूँ और इसके इफेक्ट पे जो स्प्रेड है डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हल्का, ओके ये बन के रेडी है मेरा। बाकी अभी यहाँ पे भी यहाँ लिख सकते हो। अब मैं एक ट्रिक और बताता हूँ क्या करना है, मुझे सारी मैचेस सारी लेयर सेलेक्ट करी प्रेस सारी लेयर सेलेक्ट करें प्रेस करें शिफ्ट दबा के
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, दैट इज कॉल्ड मर्ज विजिबल। यहाँ पे मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, कंट्रोल जे। ठीक है, फर्स्ट वन लेयर पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिसैचुरेट कर दूंगा सारे कलर फॉर्म से बिल्कुल, और इसको एक तरीके से मैं लेके जाऊंगा शेडो एंड हाईलाइट में, हल्की इसको लुकअप में जाके, कलर लुकअप में जाना है। यहाँ से एक नाइट कलर रहेगा मून लाइट, ये दे दीजिएगा। ये बताऊंगा क्यों दे रहा हूँ, इसका भी एक लुक आप खुद ही देखेंगे कि आप में एक रिजल्ट कितना प्यारा आएगा। अब इसकी मैं ब्लेंड करूंगा तो आपको खुद ही आपका डिजाइन के नए नए अच्छे अच्छे लुक्स आपको मिलेंगे। देख रहे हैं ये लुक, देखिए पहला क्या क्लास दे रहा है आपके डिजाइन को, बहुत प्यारे प्यारे। ये देखिए, अगर मैं इसको फाइनल करता हूँ दैट इज, तो ये रही थी हमारी आज की बहुत छोटी सी क्लास, जिसमें हमने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग के बारे में, फोटोशॉप के टूल्स एंड ट्रिक्स के बारे में छोटी सी इमेज को यूज करके हमने किया। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका आज का मेंटर अनुज शर्मा, चलिए बाय बाय।